हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे अबेटमेंट के कंसेप्ट के बारे में कि आईपीसी के अंदर अबेटमेंट किस सेक्शन के अंदर का डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, अबेटमेंट किसे कहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इन क्लासेस के माध्यम से CCSU के अनुसार जो दिया गया सिलेबस है उनके अनुसार आईपीसी के टॉपिक को कवर करता चल रहा हूँ। तो जो भी न्यू व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियसली क्लासेस नहीं देखी है, वो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद उन्हें भी ज़रूर देख लें, तभी आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम पूरा इस डिटेल में तो नहीं, इस वीडियो में तो पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इसमें आज हम अबेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अबेटर कौन होता है, और इसके अलावा जो पनिशमेंट है उसको हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पार्टली इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्या, क्योंकि जो भी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें उसे डिटेल में डिस्कस करें, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, जैसा कि मैं वीडियोस में बनाता हूं, ताकि ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन डिफाइन है, किस सेक्शन के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड पनिशमेंट डिफाइन की गई है। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेक्शन 107 में बात की गई है अबेटमेंट से, कि हम अबेटमेंट कैसे कर सकते हैं, अबेटमेंट ऑफ थिंग। सेक्शन 108 बात करता है अबेटर के बारे में कि अबेटर कौन होता है। सेक्शन 108A बात करता है कि इंडिया से बाहर किया गया अबेटमेंट भी क्या अबेटमेंट होगा। सेक्शन 109 और 110 बात करता है पनिशमेंट्स के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करें अबेटमेंट के बारे में, सेक्शन 107 से लेकर 120 तक के सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 107 और 108 मेनली डिस्कस करता है अबेटमेंट के बारे में। 109 से लेकर 120 तक के अंदर अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं अबेटमेंट क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे को एनकरेज करना, उकसाना, किसी रोंग को कमिट करने के लिए किसी रोंग एक्ट करवाना, किसी दूसरे से उकसा कर ताकि वो क्राइम कमिट कर सके, उसे हम अबेटमेंट या फिर अबेटमेंट हम उसे कहते हैं। अगर आप किसी को एनकरेज करते हैं किसी क्राइम को करने के लिए, तो उसे हम अबेटमेंट कहेंगे। तो सेक्शन 107 के अंदर मेनली तीन फॉर्म दिए गए हैं अबेटमेंट के बारे में। इसके अलावा हम अबेटमेंट कर सकते हैं बाय इंस्टिगेशन, बाय एड, बाय एसोसिएशन, बाय कमांड, बाय एनकरेज। ये भी एक तरह से सिनोनियम्स हैं जो कि अबेटमेंट के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, मेंस रिया जिसे गिल्टी इंटेंशन कहते हैं, एक्टस रियस जिसे कि हम कहते हैं कि एक्ट करना। ये दोनों ही मिलकर एक क्राइम को क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ, ए और बी दो व्यक्ति हैं। यहाँ पर बी का इंटेंशन नहीं है क्राइम कमिट करने का, लेकिन ए का इंटेंशन है बी से क्राइम कमिट करवाने का। तो ए और बी को इंस्टिगेट करता है कि तू क्राइम कर, और ए को उकसाने पर बी ऐसा कर देता है, ए के उकसाने पर बी ऐसा कर देता है। इस सिचुएशन में मेंस रिया जो था वो ए पर्सन का था और एक्टस रियस बी पर्सन का था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, जैसा कि किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस का कॉन्स्टिट्यूट होना ज़रूरी होता है।
लेकिन बहुत से केसेस है जहां पर बिना मेंस रिया के भी पार्टी को गिल्टी माना जाता है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डेफामेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल एंड सो ऑन। यहाँ पर इस तरह के जो अपराध होते हैं, जैसे कि ए की इंटेंशन है, ए ने एक्टस रियस किया और बी ने मेंस रिया किया, तो इस तरह के हम जो ऑफेंस कमिट होते हैं उन्हें हम इनचोएट ऑफेंस कहते हैं, INCHOAT। आप पढ़ेंगे भी इसको जब आगे डिस्कस करेंगे हम लॉ के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन के बारे में जो बेयर एक्ट के अंतर्गत डिफाइन की गई है। सेक्शन 107 में तीन तरीके बताए गए हैं, तीन फॉर्म बताए गए हैं अबेटमेंट के बारे में। सबसे पहला है बाय इंस्टिगेशन, यानी कि किसी को उकसाना। दूसरा है एंगेजमेंट, यानी कि एंगेजमेंट किसमें, कॉन्स्पिरेसी में, एक तरह से षड्यंत्र बनाकर उसे उकसाया गया। और थर्ड है इंटेंशनली एड, यानी किसी सहायता के द्वारा उसे पार्टी को उकसाया गया, दूसरे पर्सन को उकसाया गया और क्राइम को कमिट किया गया। अब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इस अबेटमेंट का हिंदी में मतलब तो आपको पता चल गया होगा, नहीं चला तो अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट कंडीशन यह है कि वो एक्टिवली इंस्टिगेट होनी चाहिए। एक्टिवली इंस्टिगेट का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन की इंटेंशन होती है क्राइम कमिट करने की, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इंस्टिगेशन। तो इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इंस्टिगेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से भी हो सकती है। इससे रिलेटेड एक केस था एमएम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एमएम सिंह की फुल फॉर्म है माधव मोहन सिंह, ये 2010 का केस था। इस केस में माधव मोहन सिंह थे जो कि ड्राइवर के ऊपर, यानी कि ऊपर पोस्ट पर काम कर रहे थे, यानी कि एक ड्राइवर था उसके अंडर काम कर रहा था। वो ड्राइवर क्या करता, ड्राइवर की एक हार्ट सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि तुम स्ट्रेस मत लो, बिना स्ट्रेस के काम करना। लेकिन जो ड्राइवर है वो सुसाइड कमिट कर लेता है और कोर्ट के अंदर जो एमएमएस है, यानी कि माधव मोहन सिंह है, उसकी वाइफ ने यह बोला था कि सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ है कि जो कम्प्लीटली एमएम के अगेंस्ट में था। सुसाइड नोट में लिखा गया था कि एमएम उसे हरेस करता है, उस पर गुस्सा करता है, अननेसेसरी उसे टॉर्चर करता है। उसकी वाइफ ने भी आकर यही गवाही दी। तो एमएम ने अपने डिफेंस में कहा कि वो कोई काम नहीं करता है, वो लापरवाह था, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने डिफेंस में कही। तो आप इस केस को लिख भी सकते हैं माधव मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सुसाइड अटेम्प्ट किया गया वो डेट कुछ और है, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली वो डेट कुछ और है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 17 डेज का गैप था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही ऑब्जर्व किया कि जो 17 दिन का गैप है, जो डेट है, यहाँ पर इंस्टिगेशन सही तरीके से नहीं मिल रही है या बैठ रही है। दूसरी बात ये थी कि अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर ने किसी को कुछ बोल दिया अपने जूनियर से, अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो किस तरीके से कोई भी सुपीरियर ऑफिसर अपने काम को करवाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एमएम सिंह जो है वो लायबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एमएम सिंह के नॉट लायबल किया। इसके अलावा मैंने हिंदी में भी यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा है
फॉर्म उसके बारे में, सेकंड है इंस्टिगेशन बाय वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी या एंगेजमेंट। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 120 में, वहाँ उसे भी इनचॉइट ऑफेंस माना गया है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझे तो वहाँ पर बताया गया है कि केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक एग्रीमेंट बनना ही एक सब्सटेंटिव ऑफेंस होता है। जैसा कि मैं इसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, ए बी, ए और बी मिले, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ किसी क्राइम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वहीं पर क्राइम हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की, तो इसमें एक्ट और इलीगल ओमिशन, अगर यह एक्ट नहीं हुआ तो वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के द्वारा लायबल नहीं होगा। सेक्शन 120 ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थोड़ी सी वाइड है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 107 की, तो वहाँ पर बताया गया है कि जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है वो क्या है, वो नैरो है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, एक सर्वेंट था जिसने एक कॉन्स्पिरेसी की चोरों के साथ कि वो घर में, घर का जो मेन दरवाजा है वो खुला छोड़ देगा, और अपने दोस्तों के को कहा, उसने एक षड्यंत्र बनाया कि आप आना, मैं रात में जो मेन डोर है उसे ओपन छोड़ दूंगा और तुम आकर चोरी कर लेना। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। थर्ड हमारा है अबेटमेंट बाय, थर्ड हमारा है अबेटमेंट बाय एड, यानी कि इंटेंशनली किसी चीज की मदद लेकर, उसे हम कहते हैं अबेटमेंट बाय एड। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, बी को बहुत सारा गुस्सा आ रहा है सी पर। बी ने ए को जाकर बोला कि तू यह चाकू ले और सी को मार दे। इसमें मैंने एड दी या चाकू दिया क्राइम को कमिट करने के लिए, तो यहाँ पर जो चाकू है वो एड का काम कर रहा है। उसे उकसाया भी मैंने, उसे उसकी मदद भी की एड के द्वारा, एड यानी कि चाकू देकर। तो इसे हम कहेंगे अबेटमेंट बाय एड, इंटेंशनली एड के द्वारा हमें, मैंने उसे अबेट किया। इसके अलावा हमें एक बात का और ध्यान रखना है जो मैं प्रीवियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर इंटेंशन होनी जरूरी है, एक्टिव सब्सटेंटिव ऑफेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 107 से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे विद एग्जांपल मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 108 के बारे में। सेक्शन 108 डिस्कस करता है अबेटर के बारे में कि अबेटर कौन है। इस सेक्शन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अबेटर कौन होता है? एक व्यक्ति दुष्प्रेरक और अपराध करता है जो या तो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो एक अपराध होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अपराध के समान इरादा, इंटेंशन, ज्ञान, नॉलेज के साथ अपराध करने में सक्षम है, उसे हम अबेटर कहेंगे। इसकी सबसे पहली एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है इलीगल ओमिशन के बारे में। मान लो एक स्पेक्टर है, यानी कि मैं सामने खड़ा हूँ रोड पर, सामने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने रोका नहीं, तो क्या मैं अबेटर हूँ? नहीं।
स्पेक्टर एबेटर नहीं होता, लेकिन इलीगली ओमिशन करना वो ऑफेंस हो सकता है एबेटर का। जैसे कि यहाँ पर हम पुलिस का एग्जांपल ले, तो पुलिस वहाँ पर खड़ी है, पुलिस की यह ड्यूटी है कि वो एक्शन ले अगर मर्डर हो रहा है। उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, इलीगली ओमिशन किया, इलीगली ओमिशन हुआ, तो वो होगा अबेटमेंट। अब हम जैसा कि एक्सप्लेनेशन वन में यहाँ पर दिया गया है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू की। यहाँ पर बताया गया है एक्सप्लेनेशन टू के अंदर कि रिजल्ट नॉट नेसेसरी फॉर होल्डिंग एबेटर लाइबल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट एबेट शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एबेटमेंट के ऑफेंस का कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी नहीं है कि एक्ट कमिट होना चाहिए और उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास कारण हो उस एक्ट को करने का। जैसा कि यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन के माध्यम से दिया गया है, ए ने उकसाया बी को कि वो मर्डर कर दे सी का, लेकिन बी ने मना कर दिया ऐसा करने के लिए, तो ए यहाँ पर गिल्टी है एबेट करने के लिए बी को टू कमिट ए मर्डर, मतलब मर्डर करने के लिए ए यहाँ पर एबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा, भले ही बी ने उस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट किया हो या नहीं किया हो। सेकेंड इलस्ट्रेशन बात करती है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ए ने बी को उकसाया मर्डर करने के लिए डी को, बी इंस्टिगेशन के परसुएंस में, मतलब उकसाने के दौरान उसने स्टैब एक छुरा घोप दिया किसको, डी को। डी कुछ टाइम बाद उस घाव से रिकवर हो गया, लेकिन ए यहाँ पर गिल्टी है इंस्टिगेशन के लिए बी को, यानी कि ए ने बी को उकसाया था, तो वो उकसाने के लिए अबेटमेंट के लिए यहाँ पर ए लायबल होगा। वही बात कर रही है ये एक्सप्लेनेशन टू। अब बात करें हम एक्सप्लेनेशन थ्री की। एक्सप्लेनेशन थ्री बोलती है, अगर जो कोई क्राइम कर रहा है जिसे अबेट किया गया है, जो क्राइम कर रहा है वो इनकॉम्पिटेंट है क्राइम करने के लिए, तो उसे तो उसको तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अबेटर को सजा मिलेगी। यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है दैट द पर्सन अबेट शुड बी कैपेबल बाय द लॉ, अगर वो लॉ के द्वारा कैपेबल नहीं है उसे कमिट करने के लिए सेम, तब भी अबेटर इसके लिए लायबल होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थ्री में ये बताया गया है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे कि सपोज दैट एक छोटा सा बच्चा है जो गन चलाने में एकदम अच्छा है, ए एक पर्सन है जो बी एक छोटे बच्चे उसको गन दे देता है और उसे पता है कि बच्चा गन चलाने में काफ़ी अच्छा है, कि उसके हाथ में अगर गन दे दी गई तो वो तभी चला देगा, उसे पता है उसके बारे में। उसके साथ साथ उसे यह भी पता है कि मेरे साथ सी पर्सन भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो बच्चा गन चला देता है सी पर और सी वहीं पर मर जाता है। तो ए ने छोटे बच्चे को अबेट किया सी को मारने के लिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन थ्री। इसी तरह से एक बात करें हम ल्यूनेटिक पर्सन की, जहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल डिस्कस करता है चाइल्ड के बारे में, ल्यूनेटिक के बारे में भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ल्यूनेटिक पर्सन है, उसे पता नहीं है उसके कंडक्ट के बारे में, और ए पर्सन है जो कि ल्यूनेटिक ए पर्सन है जो कि ल्यूनेटिक पर्सन को इंस्टिगेट करता है किसी थर्ड पर्सन को मारने के लिए, उसे पता है वो ल्यूनेटिक पर्सन है, वो उसके हाथ में एक छुरा दे देता है या फिर वो पत्थर दे देता है, उसे वो ल्यूनेटिक पर्सन सी को मार देता है।
तो यहाँ पर ल्यूनेटिक पर्सन तो गिल्टी नहीं होगा, यहाँ पर ए पर्सन लाइबल होगा, ना ही चाइल्ड जो है किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाता है अगर वो अंडर एज है। ल्यूनेटिक पर्सन वो सोचने समझे समझने की उनके पास क्षमता नहीं है, इसलिए उसे भी अपराधी नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर ए को गिल्टी माना जाएगा उकसाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन 3 कवर हो जाता है। इसके अलावा और भी मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पर दी है, आप उसे पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ एक्सप्लेनेशन की। फोर्थ एक्सप्लेनेशन बात करता है कि ऑफेंस का अबेटमेंट, बीइंग एन ऑफेंस, एंड ऐसे अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया, सी ने डी को उकसाया, तो यहाँ पर जिस जिसने भी उकसाया है वो सभी अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। एक्सप्लेनेशन 4 के अंतर्गत यह कहा गया है। जैसे कि हम इसे एग्जांपल को पढ़ते हैं, ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर। ए ने इसको उकसाया, इसने इसको उकसाया इसको मारने के लिए। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर, जेड सी कमिट दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बी इंस्टिगेशन। तो यहाँ पर बी लाइबल होगा सेम ऑफेंस के लिए टू द पनिशमेंट फॉर द मर्डर, एंड ए इंस्टिगेट टू बी कमिट द ऑफेंस, ए आल्सो लाइबल फॉर द सेम पनिशमेंट। तो यहाँ पर ये दोनों उकसाने के लिए लाइबल होंगे, जो कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 5 को। ये हमारी लास्ट एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 108 के अंदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात करती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द अबेटमेंट बाय द कॉन्स्पिरेसी दैट अबेटर शुड बी कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड इट इज सफर if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। ये कहता है कि abetment by conspiracy के offense को करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि abettor उसमें concert होना चाहिए उस offense में with the person who commit, यानी जो person crime कर रहा है उसके साथ भी वो मिले या मिलकर क्राइम करे। यह पर्याप्त है कि वो केवल उसमें शामिल ही हो रहा है, तो यानी कि वो कॉन्स्पिरेसी में है और उसने ऑफेंस को कमिट किया है। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एग्जांपल क्या है, ए घर का नौकर है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, या हम इसको इस ये जो स्क्रीन पर एग्जाम्पल आ रहा है हम इसे ले लेते हैं। ए कंसर्ट विद बी ए प्लान ऑफ फॉर पॉइजन जेड। ए बी के साथ कंसर्ट किया कि वो प्लान करेगा पॉइजन के लिए, पॉइजनिंग के लिए, जेड को पॉइजन देने के लिए, जहर देने के लिए। इट इज एग्री दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। ए ने उसको मान लिया कि वो उसे क्या करेगा, वो उसे पॉइजन देगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो बी पर्सन है, बी एक्सप्लेन करता है यह प्लान सी को और मेंशन करता है कि जो थर्ड पर्सन है वो इस पॉइजन देने के काम को पूरा करेगा, बट विदाउट मेंशन ए नेम। सी एग्री टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड प्रोक्योर एंड इट्स डिलीवर्ड इट बी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड the manner explain and A administered the poison and Z is die। यहाँ पर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो A ने B के साथ डिस्कस किया, Z को मारने के लिए पॉइजन के द्वारा, B ने C के साथ डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो B और C के ए ने बी से किया, बी ने सी से किया, मारना है जेड को, तो यहाँ पर ए और सी का कोई रोल, ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी वो शामिल है इस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यही इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है
कि इट इज सुफिशियंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन परस्यूएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। केवल एंगेज होना ही, भले ही वो ना जानते हो, उस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में अगर वो एंगेज हो रहे हैं तो वो लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको उकसाया था, तो यहाँ पर ए लायबल होगा अबेटमेंट के लिए। हेयर थ्रो ए एंड सी डज नॉट कंस्पायर्ड, यानी इन दोनों की मिलीभगत नहीं थी, येट सी हैज बीन एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन परस्यूएंस ऑफ विच जेड हैज बीन मर्डर। सी यहाँ पर शामिल था जेड को मारने के लिए, सी हैज देयर ऑफ कमिट द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड लायबल टू बी पनिशेबल फॉर द मर्डर, क्योंकि सी को मर्डर के लिए पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि उसने पॉइजन दिया है। ए को यहाँ पर लायबल माना जाएगा क्योंकि उसने उकसाया था बी को क्राइम करने के लिए, लेकिन बी ए सी को नहीं जानता था, तो क्राइम पूरा कमिट किया गया, ए को अबेटमेंट के लिए लायबल किया गया। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी डिफाइन कर दिया है, अगर आपको मेरी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हिंदी में देख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को, ताकि आपको कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जो भी न्यू स्टूडेंट है, एलएलबी के एडमिशन लिया है या नहीं भी लिया है, वो लॉ के बारे में, आईपीसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक कि हमारा न्यू क्लास अपलोड नहीं हो जाती।